विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुलह हलके में नवगठित पंचायत गागल खास के भवन के भूमि पूजन के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत जिला कांगड़ा की सभी पंचायतों को 29 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है और इतनी ही राशि की दूसरी किस्त भी शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। परमार ने कहा कि जिला में 81 नई पंचायतों का गठन किया गया है, इसमें से 14 नई पंचायतें सुलह में बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि विकास की ओर अधिक गति देने के लिए बड़ी पंचायतों को तोड़कर नई पंचायतें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी नई पंचायतों को 3 मंजिला भवन बनाने के लिए 35 लाख रुपए प्रति पंचायत उपलब्ध करवाया जा रहा है और 50,000 रुपए फर्नीचर के लिए भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी ना हो और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्रामीण स्तर तक जाकर योजनाओं और कार्यों को लोगों तक पहुंचाने और इसकी जानकारी लोगों तक मुहैया करवाने की बात भी की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि सुलह क्षेत्र के हर गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ा गया है और हर क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिक आवाजाही वाली सड़क मार्गों को डबल लेन भी बनाया जा रहा है। साथ ही परौर से पुड़वा सड़क जो गगल खास पंचायत से निकलती है उसे भी डबल लेन करने के लिए 21 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने गगल खास पंचायत को फर्नीचर के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने पंचायत भवन के लिए जमीन देने वाली रतनी देवी को भी सम्मानित किया। लगाने का काम शुरू हुआ है, याद रखना, वो श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे इस देश के नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षित रहने चाहिए तो वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम हिंदुस्तान में शुरू हुआ और हिंदुस्तान में ये टीकाकरण का काम शुरू हुआ। इसके लिए भी इस गगल खास की जनसभा के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आप भी धन्यवाद ताली के माध्यम से कर दें। आपका मजाक उड़ाया गया था, न्याली से होते हुए चौकी तक के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है, 5.5 करोड़ रुपया उसके ऊपर भी खर्च हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पनापर से खोली 2.3 करोड़ रुपया खर्च हो गया, पनापर से गलू संपर्क 14 लाख खर्च हो गया, तो जब ये खर्च हो गया तो मुख्य राजमार्ग भी ठीक होने चाहिए। यानी परौर से जो सड़क चलती है पुड़वा तक बया आपके गांव से होकर के बया धीरा नोरा से होकर के, अब उस सड़क के निर्माण के ऊपर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 21 करोड़ रुपया इस सड़क पर खर्च होगा, डबल लेन बनाई जाएगी और ये बरसों पुराना पुल इसको भी बदल दिया जाएगा। लोहे वाला पुल नहीं, सीमेंटेड रोड होगा, इतिहास बन रहा है। हम हर गांव को सड़क के साथ जोड़ रहे हैं, जहां यातायात बढ़ गया है वहां पर डबल लेन बनाने का काम शुरू होने वाला है। 1 किलोमीटर पर 2 करोड़ रुपया खर्च होगा, कितना बढ़िया सुंदर रोड होगा। भाई और बहनों, ये इसलिए हो रहा है जब आपने ठीक समय पर ठीक फैसले किए, और जब ठीक फैसले लिए जाते हैं तो अंजाम भी ठीक होते हैं।